जाकर उसको चौखट कह के और उसने कहा कि करो कि मैं मालिक हूँ तुम्हारा, आका मैं हूँ या अल्लाह है, मैं मालिक हूँ, मैं चाहूँ जिंदा रखूँ, मैं चाहूँ मारूँ, मैंने अल्लाह। उसने दोनों को वहाँ पर बुरी तरह से दुर्बोध किया, हर तकलीफ दी, और अम्मार रज़ी अल्लाह ताला के साथ खड़े छोटे बच्चे उनके सामने, और फिर दोनों को उसने शहीद किया बुरी तरीके से, यानी सारी वो शहादत हुई, पहली शहादत है मुसलमान। बहुत अम्मार जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे, उस जगह बताया कि आपको बीमारी हो रहा है, आप कौन थे, और आपने देखा उस मुकर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेबसी बजाय ये थी कि आपने फरमाया अले ऐसे सबर कर हम कुछ नहीं करते, अल्लाह तुम्हें अजर देगा, अले ऐसे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, लेकिन अल्लाह तुम्हें अजर देगा। और इसीलिए फिर हजरत अम्मार का इतना बड़ा दर्जा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने फरमाया कि अम्मार हमेशा हक के साथ है, अगर तुम्हें देखना हो तो हक कहाँ है, देखो अम्मार, अम्मार हमेशा हक के साथ है। यानी छोटा सा बच्चा जो आपके पास फिर आपके हाथों में जो सहाबी बने और इतनी बड़ी उन्होंने दर्जा पाया, तो आपने फरमाया अम्मार तो हक के साथ, अम्मार हक के साथ हुई। तो ये जो सारी बात है वो ये है कि इधर तो ये कह रहे थे कि सारा वली अल्लाह है, हमारा मददगार भी अल्लाह है, और उधर ये चल रहा है मार पिटाई कत्ल हो रहे हैं, सारी तकलीफें दी जा रही हैं सहाबा के अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दी जा रही हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इसकी ईमान तो वो लाएगा जो सब्र और शुक्र करने वाला है, जो हालात को देख के ईमान लाएगा वो तो कहेगा ये सब गलत है, यही सही है जो हालात में हो रहा है, यही वली है, यही नसीर है, अबू जहल है जब हर सब कुछ, लेकिन जो सबर करने वाला और शुक्र वाला है वो कहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये लॉन्ग टर्म नहीं, ये लफ्मा नहीं चलेगा, ये जोर चल नहीं सकता, ये खत्म हो जाएगा, इसका जोर भी खत्म हो जाएगा। वली कौन है मेरा, अल्लाह है जो रहने वाला है, वह हयूल कयूम जिंदा हमेशा कायम रहेगा, और मेरा मददगार भी वो है, और वो बेहतर है, इसे कहता है अल्लाह अल्लाह ताला ने सिखाया कहा करो नेमल मौला और नेमल हसन, जो सबसे अच्छा मेरा वली है और वो सबसे अच्छा मेरा वली है, उससे अच्छा कभी अल्लाह ताला से दुआ करता हूं। अच्छा अल्लाह ताला सुब्हान अल्लाह।